फाइनली हम लोग आज एक नया दुकान खोलने वाले हैं। वेलकम टू द सुपर मार्केट सिमुलेटर। कल यार मैंने देखा टोटल गेमिंग ने अज्जू भाई ने एक नया मार्केट खोला जहाँ पे सब्जी भाजी ब्रेड सब बिकती है, साबुन से लेकर चट्टी तक हर एक चीज बिकती है यार। तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम लोग भी एक छोटा सा दुकान खोल लेते। आप में से बहुत लोग सुपर मार्केट गए होंगे जहाँ पे हम लोग बास्केट लेकर के शॉपिंग करते हैं, कुछ कुछ चीजें खरीदते हैं, फिर कैश काउंटर जा करके बिलिंग करते हैं। तो यार ये गेम भी डिट्टो वैसे ही है। अगर आप सुपर मार्केट गए हो तो आप लोग समझ गए होगे, नहीं तो चिंता की क्या बात है। मैं हूँ ना यार सुपर मार्केट खोलेंगे सबसे अच्छा, टोटल गेमिंग से भी अच्छा। मजाक कर रहा यार, आई रिस्पेक्ट टोटल गेमिंग। सो यार चलते हैं अपनी दुकान पे एंड दुकान की ओपनिंग करते हैं भाई। सो वेल यार, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सुपर मार्केट सिमुलेटर। लेट्स गो यार, सब्जी भाजी बेचनी है, चलो जल्दी दुकान खोलने का वक्त हो गया है। ऑलराइट गाइस यार, वेलकम टू द सुपर मार्केट सिमुलेटर। यू आर ऑल स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोर एंड ग्रो टू एन ऑसम सुपर मार्केट। छोटे बिजनेस से चालू होगा, फिर आपका बड़ा दुकान बनेगा। स्टार्ट बाय परचेसिंग गुड्स, सामान खरीदो और उन्हें बेचो, उन्हें सेल्स में लगाओ। डोंट फॉरगेट टू सेट द प्राइस, कितने में बेचना है वो लगाओ और पैसा बचाओ ताकि बैंकरप्ट ना हो जाओ। हैव फन, लेट्स गो भाई, ये क्या था। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द सुपरमार्केट। भाई अपने कितना सुंदर शहर है यार। भाई सच में यार इस गेम के ग्राफिक्स कितने प्यारे हैं भाई, आई एम लिटरली इंप्रेस्ड यार। ओके ये अपनी साइकिल आई गेस, बहुत प्यारी अप्सरा साइकिल। खैर ऑटो ओबे, क्या ग्राफिक्स है यार। बट खैर गाइस यार अपने सुपरमार्केट में ध्यान देते हैं। ये है अपना प्यारा सा दुकान जो कि यार पूरा खाली है एंड ये सेल्फ है। यहाँ पे हम लोग यार कुरकुरे चिप्स लेस वगैरह यहाँ पे रखेंगे। आपका क्या फेवरेट है कमेंट में बताओ, वो भी ला के रखेंगे। ठीक है, और ये अपना कैश काउंटर है यार। भाई इतना छोटा सा दुकान, इसमें कैश काउंटर है यार। हमारे इंडिया में क्या होता है, ऐसे खिड़की के पास कोई बंदा खड़े रहता है जो कि पैसे लेता है, या वो पेटीएम फोन पे लगा के रखते हैं ना, वो सिस्टम नहीं है क्या यहाँ पे, कैश ही वाला चलेगा क्या। बाकी गाइस यार अपने पास एक कंप्यूटर है और हम लोगों को कुछ सामान ऑर्डर करना है अपने दुकान में रखने के लिए। ओके गाइस ये कौन सा सिस्टम है यार, लेट्स गो गाइस ऑर्डर करते हैं। मार्केट क्या खरीदना है हमें, हमारे पास $50 है। अब आपको दिख रहा होगा मेरे ऊपर कितने पैसे हैं, $50 मेरे ऊपर है ठीक है, और सुबह के 8 बज रहे हैं। $50 में अपन क्या खरीद सकते हैं यहाँ पे, चोकी पिकी, स्लाइस ब्रेड, फ्लोर मतलब आटा, पास्ता, पास्ता मतलब तो जानते हो यार, तेल और शुगर पाउडर, शक्कर रखते हैं क्योंकि देखो यार सबके घर में शक्कर की जरूरत होती है। तो एक पैकेट शक्कर, एक पैकेट आटा, एक पैकेट ब्रेड का और एक पास्ता। बजट देख लो भाई $40 हुए, मेरे को देख के रखना पड़ेगा। तेरी सीरियल इतना महंगा है $35 का, नहीं भाई ये नहीं रखना। तेल नहीं, तेल भी बजट पार होगा, रुक जाओ इसको हटाते हैं। ओके टोटल हुआ $43 और मेरे पास $6 और बचेंगे, थोड़े से पैसे बचेंगे, सही है भाई खरीदो यार। ऑलराइट यार मैंने खरीद तो लिया, अब है कहाँ वो प्रोडक्ट, फर्नीचर शेल्फ वगैरह ये सब। खैर भाई हम लोग फ्रिज भी रख सकते हैं, फ्रीजर भी रख सकते हैं, स्पॉटलाइट रख सकते हैं, आई मीन कुछ महंगा सामान होगा उसके ऊपर लाइट लगेगा तो और अच्छा लगेगा वो, मतलब समझ रहे हो यार क्या क्या कर सकते हैं। बाकी यार और क्या क्या चीजें भाई, इसमें बैग कैसे होता है, हेलो, अच्छा ऊपर से कट होता है क्या। ओके और मैनेजमेंट, अच्छा अपन कोई, ओबे तेरी अपन प्रोडक्ट का लाइसेंस भी ले सकते हैं क्या, अपने वो चीज बेचना है तो लाइसेंस मिल जाएगा। भाई इतना महंगा है लाइसेंस यार, डैम ब्रो, भाई ये गेम में क्या क्या चीजें है भाई। अपन लोगों को हायर कर सकते हैं कैशियर काउंटर पे, ना कैशियर पे किसी को नहीं रखूंगा, नोट तो मैं ही गिनूंगा बैठ के यार, ये सब करने के लिए नहीं रखने वाला ना, कुछ साफ सफाई करने के लिए रख लेंगे भले। बाकी यार और स्टोरेज खरीदना है, ग्रोथ, अच्छा और दुकान को बड़ा करना है तो उसके लिए भी है। भाई ये सब कितने महंगे हैं भाई, 1,15,000। बाकी बिजली बिल वगैरह यहाँ पे आएगा अपने दुकान का। ओके ठीक है, मैंने सारी चीजें देख ली, आ जाओ वापस। एंड मैंने जो जो चीजें ऑर्डर की है वो कहाँ से आएगा यार। ओके मैंने ऑर्डर तो किया, पिकअप द बॉक्स अराइव्ड। ओके मैंने जो जो ऑर्डर किया था वो बाहर आया हुआ है, लेट्स गो अपने दुकान के। भाई कौन छोड़ के गया भाई। ओके सबको एक एक करके रख देते हैं अपने दुकान में। ऑलराइट यार एक एक करके लगाओ यार, रखते कैसे हैं। ओके पास्ता यहाँ पे लगाता हूँ, पास्ता है कि क्या है भाई ये। ओके चलो मैंने ऊपर ये वाले शेल्फ में लगा दिए पास्ता, और इसको फेंको, इसको कैसे फेंको यार। ओके डब्बा बंद करके, डब्बा को कहाँ रखूँ, यहाँ पे रख देते हैं। कहाँ पे रखूँ यार ये डब्बा को, भाई एक्स्ट्रा डब्बा है मेरे पास, एक काम करते हैं ना खाली डब्बे को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है इसका बाद में कुछ कर लेंगे, रुको अच्छे से रखते हैं, रख रहे हैं तो। ऑलराइट यार यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है यार, रुको यार मेरा इतना सारा सामान है ये क्या। अच्छा ओके वो जो डब्बा है इसको अपन डस्टबिन में फेंक सकते हैं, उठाओ डस्टबिन, लेट्स गो, कचरा तो फेंक दिया मैंने, इसको भी लगाओ। अच्छा इसमें ब्रेड है, ये देखो ना यहाँ पे सैंडविच ब्रेड है। ओके खोलो इसे, एंड भाई कितना सारा ब्रेड है, मैं सोच रहा था एक ही ब्रेड आएगा, जिस हिसाब से हम लोग मार्केट खरीदे ना सामान वगैरह, ऐसा ही फील हुआ कि भाई एक ही ब्रेड खाली आने वाला है, बट नहीं भाई पूरा डब्बा आया यहाँ पे। बट खैर चलो यार मैं सारे सामानों को रख दूं क्या, चलो ठीक है ये भी डस्टबिन में। और ये क्या है यार, ओके मैंने प्राइस टैग नहीं लगाया ना,
मार्केट प्राइस $3 है, हम लोगों ने इसे खरीदा है $1 में, तो $3 में बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अपन $3 में बेचते हैं, मार्केट प्राइस में बेचू क्या? मार्केट प्राइस से थोड़ा कम में बेचते हैं, देखो थोड़ा सा भी कम में बेचेंगे ना तो अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोगों ने आज ही दुकान खोला है यार, और पास्ता में सस्ते में दूंगा तो भाई फायदा ही फायदा ना। ओके, नीचे ब्रेड भी है जो कि ब्रेड बिकता है 3.9 का, तो हम लोग ब्रेड को भी थोड़ा सस्ता बेचेंगे, इसको बेचेंगे $3। यार ये नीचे वाला मार्केट प्राइस जो लिखा है ना, ये बाकी दुकानों में इस प्राइस में बिकता है, ठीक है, और हम लोग इससे थोड़ा सा कम 90 दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम देते हैं और अपना प्रॉफिट है, थोड़ा सा कम हुआ है बट ठीक है, हल्का कम में देंगे ना तो भाई प्रॉफिट ही है, बाकी दुकान खोलो यार। लेट्स गो गाइस, शॉप ओपन हो चुका है, पहला कस्टमर भी आ गया भाई। हेलो अंकल जी, कैसे हो? वेलकम टू द ट्रैक शॉप। ओके यार, कैसे 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 होता है भाई? ओके, कितना हुआ अंकल आपका? दे दो यार, कैश लाओ यार, जेब में अप्रूव भाई। अरे अच्छा, चेंज देना है, कितना हुआ? अंकल ने कितना दिया भाई? कितना देना है? हेलो, अच्छा मेरे को देना है 95 सेंट्स ना, 95 सेंट्स होते हैं 50, यार यहाँ पे तो मैथ लगेगा, 40 कितना हुआ यार? कितना हुआ भाई, मैं गिना नहीं, 80 90, आई गेस 90 हुआ। ओके परफेक्ट भाई, मैंने सही दिया यार, मैं डर गया था, मैं गलत तो नहीं दे दिया। ओके लेट्स गो यार। ओ भाई, आंटी लोग भी आ रहे हैं ब्रेड खरीदने, भाई पहले दिन ही दुकान चल रही है यार, ये आंटी पास्ता ले रही है। अच्छा कार्ड चलाओगे मैम? कार्ड चला लो भाई, यहाँ पे मैं ही डालूंगा यार नंबर, यार कितना रियल है भाई ये गेम, इवन एटीएम का नंबर भी मेरे को डालना पड़ेगा क्या? यार ये तो बहुत सारा सामान लियो मैम आप, ये सब हुआ, कैश दे रहे हो। मैडम जी ने कितना दिया टोटल? आंटी ने मुझे दिया $20 और $10 का सामान था, $10 मुझे उनको रिटर्न करना है, ये लो आंटी आपके $10, परफेक्ट। हेलो अंकल जी, भाई ये तो बॉडी गार्ड लग रहा है भाई। ओके कार्ड, यार कार्ड पेमेंट सबसे सही है भाई, कार्ड लो और इधर नंबर डालो, यार ये तो एकदम रियल लाइफ में भी ऐसी होता है भाई, अगर आप कैशियर के पास जाओगे ना, डिट्टो सेम सिस्टम, ऐसे कार्ड लगता है और हम लोग यहाँ से ऐसे नंबर डालते हैं, और हम लोग आज सस्ते में बेच रहे बोल के भाई इतने ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं भाई, पहले दिन इतने सारे लोग, और क्या चाहिए भाई, $30 का प्रॉफिट हो गया, बाकी मैंने और सामान को लगाया भी नहीं है ब्रो। रुको रुको रुको, ये भी लगाना बाकी है, मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। ये क्या था? अच्छा ये आटा था ना, आटा तो काम आता है यार हर सबके घर में, कौन कौन रोटी खाता है इस कमेंट में बताओ। बाकी यार मेरे दुकान में कस्टमर, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम, आपको क्या चाहिए? ब्रेड पास्ता, लगता है आंटी के घर में आज यार पास्ता ब्रेड बनेगा। अच्छा आंटी ने कैश दिया ना, कितना रिटर्न करता है मुझे, क्या करना है भाई? अप्रूव, अच्छा आंटी ने परफेक्ट पैसा दिया। ओके दोस्त, अच्छा कार्ड देगा क्या? ठीक है कार्ड दो, $3 का है ये, ठीक है ये लो भैया आपके $3 का सामान, आटा ले लो सर, ये भी कार्ड, अंकल जी दे दो आप 1.58, परफेक्ट भाई। यार मैं एकदम अरे अबे यार मैं आटे पे तो रेट ही नहीं लगाया, वो आटा कैसे खरीद लिया? गाइस आटे पे तो रेट ही नहीं लगाया भाई, जितने में लाया उतने में ले गया क्या? ओके थोड़ा सा इसको इसको परफेक्ट प्राइस में रखते हैं। आटा देखो यार, हर कोई खरीदने आएगा तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं देने वाला आटा पे, थोड़ा सा डिस्काउंट दूंगा, ठीक है यार प्राइस पहले डाला, आंटी बाद में आ रही भाई, आंटी आज महंगा सामान लेगी लग रहा है। ओके दो आटे का पैकेट, आंटी के लगता है दो बच्चे हैं यार, बहुत ज्यादा खाते हैं। आंटी कार्ड लेके आई है भाई, ठीक है आंटी जी $4 हुआ आपका। भाई मैं तो इतना तगड़े से पैसा कमा रहा हूँ ना, माँ कसम असली में दुकान खोल लो यार। हाँ भैया जी बताइए, ये थोड़ा ही स्मार्ट लग रहा है। ओके इनका आटा और ब्रेड, कार्ड देंगे ठीक है, $60 हुआ आपका, 7.60। भाई अभी आधे से ज्यादा सामान बचा है, मैं जब दुकान चालू किया था मेरे पास $50 थे, एंड इतने सारे ब्रेड, इतने सारे आटा थोड़ा सा बचा है, पास्ता पूरा खत्म हो गया है, फिर भी अपने पास $3 का प्रॉफिट है भाई, पैसा हो तो बड़ी 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 बात है क्या आंटी। ओके ले जाओ आपका आटा, आपका ब्रेड, कैश दोगे ठीक है, $2 आंटी को रिटर्न करना है ना, एक दो हो गया और 40 सेंट, 1 2 3 4, परफेक्ट ना? हाँ ठीक है आंटी, ले जाओ, परफेक्ट। लेट्स गो गाइस यार, एंड इवन मेरा एक और पार्सल बचा है भाई, अभी मैं सारी चीजें नहीं लगाया हूँ, लगाओ भाई, ये शक्कर का पैकेट भी तो मैंने नहीं लगाया यार, बढ़िया गेम है यार, मैं इतना अच्छा होगा सोचा नहीं था भाई। ओके चलो इसको डस्टबिन में फेंकते हैं यार, अपने दुकान में इतने सारे कस्टमर, अरे डालो यार, डालना भाई, ए भाई डालना यार, ये तू यहीं पे रख इसको, मैं दुकान संभाल रहा हूँ यार, आज पहला दिन है मेरे को यार कस्टमर नहीं खोना। ठीक है आंटी जी, आपका हुआ है $60, 7.60। ओके थैंक यू आंटी जी, आपको क्या चाहिए आंटी? आटा मिल जाएगा, आटा कोई दिक्कत नहीं, कैश लाए हो दे दो, कितना रिटर्न करना है? 30 सेंट ना, ये लो आंटी जी आपके 30 सेंट हो चुके हैं। और आपको क्या चाहिए सर? यार ये तो एकदम बॉडी बिल्डर लग रहा है भाई शक्ल से, ब्रेड और शक्कर, ए मीठा नहीं खाते अंकल, ज्यादा मीठा खाने से क्रीमी हो जाता है मेरी मम्मी कहती है। खैर अंकल परफेक्ट चेंज लेके आए, जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यार बाहर मैंने डब्बा को ऐसे ही फेंक दिया, एक और शक्कर का पैकेट। ओके अंकल थैंक यू, कितना चेंज? अच्छा चेंज नहीं देना, ठीक है अंकल थैंक यू, थैंक फॉर कमिंग, दोबारा फिर से आना। बाकी यार ये इसको मैं फेंकता हूँ भाई, यार इसको ऐसे ही फेंक दिया था यार, इसको डालू कैसे भाई, गया 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 गया। हाँ आंटी जी बताइए,
आपको ब्रेड खाना है यार, ये आंटी प्यारी लग रही है यार, ये लीजिए ब्रेड आंटी, ये लीजिए शक्कर। और आप कार्ड लेके आए हो यार अपने हस्बैंड का, लगता है आपके पति का आज ही सैलरी आया है। यार मतलब सही है यार, ये गेम मेरे को पर्सनली अच्छा लगा यार, मजाक से हटके। बाकी हाउ कैन हेल्प यू मैम? ओके, आपको शक्कर देना है, ठीक है, कार्ड परफेक्ट मैम। $1 हुआ है आंटी का। यार आप इतनी पतली दुबली हो आंटी, यार शक्कर क्यों लेगा यार, क्रीमी हो जाती है यार, हो जाती ना शुगर, हो जाती है आंटी लोगों को, मम्मी लोगों को, वो शक्कर वक्कर सही नहीं है। ओके, मैंने इसको रिटर्न करने हैं $45। भाई तू इतना बड़ा चेंज लेके आया मेरे पास छोटे से चीज के लिए, 40 और $5 और 40 cents, 1, 2, 3, 4। हाँ परफेक्ट ना, हाँ परफेक्ट, थैंक यू यार। शाम हो गई भाई, दुकान बंद कर, इतना जल्दी भाई, इतना जल्दी शाम हो गया, जब पैसे आते रहते हैं ना ब्रो, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, पता नहीं चलता यार। लेट्स गो यार, एक और वो आ गया कस्टमर, और मैं इसको दे देता हूँ कितना, 10 cents ना। परफेक्ट आंटी जी, थैंक्स फॉर कमिंग। यार ये तो पूरा सामान खरीद के ले जा रही है यार, मेरे को लाइट चालू करना है भाई। यार लाइट यहाँ से चालू होता है क्या? ओ लाइट भी चालू होता है, मेरे को पता नहीं था। ओके अब क्या, अच्छा आंटी जी कैश लेके आई है भाई, $100 लेके आई है, मतलब ₹100 लेके आई है और ₹8 का सामान खरीद रही है। इंडिया आओ भाई, इंडिया में चिल्लर नहीं मिलते भाई। कितना हुआ, 80, 90, $1.50। थैंक यू मैम। ओके यार ये एकदम स्टाइलिश लग रही है, इतनी पतली दुबली लड़की है, ब्रेड ही खाती हो क्या? आटा वाटा रोटी वोटी बनाओ यार मैम। यार मेरे को बोलना नहीं चाहिए, उनको मेंटेन करें अपना काइंड फाइंड। ओ अंकल नाराज हो गया यार, उनका उनको सामान नहीं मिला जो वो लेने आए थे। बट खैर पहले दिन ही मैं दुकान में इतना प्रॉफिट बनाया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा यार। खैर अब दुकान बंद करने का वक्त हो चुका है, 9 बज चुके हैं गाइज, एंटर टू फिनिश द डे, दुकान बंद करो। और हाँ रुको, आज का दिन खत्म करते हैं। और आज के दिन मेरे दुकान में आए थे 22 कस्टमर, 22 कस्टमर्स, एंड एक बंदे को सामान नहीं मिला, टोटल 23 कस्टमर्स आए थे। और मेरा आज का प्रॉफिट था $103, एंड मैंने $40 का सामान खरीदा था, एंड टोटल आज का प्रॉफिट हुआ $60। मतलब कह लो 8 6 जा कितना होता है यार, 48 ना, 4800 का प्रॉफिट, मतलब 4800 का प्रॉफिट। वेल गाइस, वेलकम टू द सेकंड डे, यू विल रिसीव अ डेली बिल स्टार्टिंग टुडे, मेक श्योर टू पे द bills using your computer before their due date or they will pay it automatically. Okay, the more electrical device, the more expensive the bill. Okay, बिजली बिल की बात हो रही है, बिजली बिल भी पटाना हमें जरूरी है, बट आज एक सुहाना सा दिन है यार, तो आज हम लोग और सामान मंगाएंगे भाई। देखो कल पैसे नहीं थे तो यार मैं ये नहीं मंगा पाया था सैरेले, तो आज सैरेले मंगाते हैं। एक डब्बे में मुझे 12 सैरेले मिलेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कितना सैरेले मिलेगा। और एक ऑयल भी ले लो, यहाँ पे बजट देखते रहना गाइज, आप $53 हुआ है, ठीक है, तो भाई लोग अपना टारगेट है 100 के नीचे आना नहीं है, ठीक है, 100 के नीचे आना है मतलब। और एक ब्रेड पैकेट, और एक हो गया पास्ता पैकेट, एक हो गया आटा, एक हो गया शुगर पाउडर, और मैं रख सकता हूँ यार, पैसे और भी बचे हुए हैं मेरे पास। लोग सबसे ज्यादा आटा खरीदते हैं, आटा और ब्रेड, आटा से रोटी बनता है, ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा बनता है। यार उन लोग थोड़ी ब्रेड पकौड़ा खाते होंगे यार, फिर भी एक पैकेट ब्रेड पकौड़ा ले लेता हूँ मैं। बाकी ठीक है यार, मेरे पास परफेक्ट पैसे हैं, ब्रेड थोड़े ज्यादा ले लेता हूँ क्योंकि ब्रेड ज्यादा खरीदते हैं लोग। बाकी ऑलराइट यार मेरे पास $4 बचेंगे, एंड लेट्स सी। ओके खरीदना है भाई मुझे, क्या हो गया? अच्छा मेरे पास पैसे कुछ ज्यादा ही कम हो जा रहे थे यार, खर्च करने दो यार, कल ही तो सामान आ जाएगा पूरा। बाकी बिल भी कुछ आया है क्या, इलेक्ट्रिकल बिल वगैरह, मैनेजमेंट में बिजली बिल? ओके आज तो कोई बिल नहीं आया, बट अगर बिल वगैरह आता है तो देखेंगे। बाकी मेरा सामान आ चुका है, लेट्स गो। शक्कर के पैकेट यार, शक्कर को नीचे रखते हैं, नहीं नहीं शक्कर यार आंटी लोग आएंगे खरीदने, नीचे झुकेंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो शक्कर को ऊपर ही रखते हैं, सबसे बेटर है यहीं पे, ये वाला सेक्शन पूरा शक्कर का। ये लो भाई यहाँ पे शुगर है, ठीक है, और बाकी यार इसको मैं डस्टबिन में फेंकता हूँ। बाकी यार सबके रेट पहले लगाते हैं, शक्कर यहाँ पे बिकती है भाई $4 की, $4.8 की, तो हम लोग यहाँ पे बेचेंगे थोड़ा सस्ता मार्केट से। अब देखो यार पहला दिन था डिस्काउंट देने में समझ में आता है, अब मैं डिस्काउंट थोड़ा कम दूंगा, अब देंगे डिस्काउंट थोड़ा एक एक पैसे का, चिल्लर का, ठीक है। तो यार सेकंड डे यार, इतना तो चलता है भाई। बाकी एक और डब्बा भाई, मेरे को डर लग रहा है यार कि मेरा डब्बा ना चोरी हो जाए। बाकी ये क्या, आटा ना, शक्कर और आटा आसपास रखते हैं क्योंकि यार ये डेली नीड्स में आते हैं। आपके घर में रोटी तो बनता होगा यार रोज, तो रोटी शक्कर चाय भी बनता होगा यार, आप इंडियंस हो यार, कम ऑन यार, चाय तो पीते हो गया राइट, तो चाय पीते हो, रोटी खाते हो, ये सब तो डेली की चीजें है ना, तो ये सबको ऊपर रखूं ज्यादा बेटर है, ताकि आंटी आए ऐसे ऐसे सीधा जेब में डाले, आई मीन उनके बकेट में डाले, एंड आगे बिलिंग कराए, उनको काम आसानी हो। बाकी पास्ता लोग कभी कभी खाते हैं, तो पास्ता को अपन नीचे रखते हैं, ठीक है। लो भाई पास्ता हो गया यहाँ पे, और ये है ब्रेड भी रोज का चीज है, तो ब्रेड को अपन ऊपर रखते हैं। ओके लेट्स गो, ब्रेड हो गया ऊपर यार, रेड भी रखना यार सबका, और तेल भी थोड़ा
तरीके से रोज का ही है, तो ऑयल यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक है। लो भाई यार तेल भी आ गई अपनी दुकान में, मेरे को ऐसा लग रहा है आज ही अपना दुकान पूरा भाई बड़ा सा हो जाएगा। बाकी यार ये क्या है, होल ग्रेन। अच्छा ये सेरेल है भाई, जैसे चोकोस कैलॉग्स होता है ना आप लोगों ने खाया होगा राइट, तो ये वो है। तो इसको मैं कह रखू पास्ता के बगल में रखते हैं, चलो ठीक है एक नीचे रखा गया। आजा भाई ले गाइस, यार पूरा हो गया। अब सबको प्राइसिंग वगैरह देते हैं फिर दुकान ओपन करते हैं। ओके तो यहाँ पे तेल बिकता है $4.5 का। इंडिया में तेल कितने मिलता है पता है, $4 मतलब होते हैं 400 रुपए कुछ होता है, 400-500 रुपए के आसपास, ठीक है 450 रुपए के आसपास कुछ, ठीक है मतलब 350 लेके चलो। तो 350 रुपए का तेल मिलता है मेरी दुकान में। इंडिया में 20 रुपए में तेल मिलता है भाई, 20 नहीं कम बोल रहा हूँ यार मैं, 20 में तो पैकेट वाला आता है बालों के लिए। खाने का तेल कितने का आता है इस कमेंट में बताओ। सफोला फॉर्च्यून क्या क्या यूज नहीं होता इंडिया में भाई, मैं वीडियो में कुछ भी बात कर दे रहा हूँ यार मजा इतना आ रहा है। बट खैर इस तेल को बेचेंगे हम लोग $4.49 पे, 1 रुपए कम, 1 सेंट कम नॉर्मल मार्केट से, ठीक है। ऑलराइट यार मैंने बेचने पे लगा दिया। बाकी ब्रेड, ब्रेड का प्राइस फिक्स है, पास्ता का भी फिक्स ही है। अच्छा जो हम लोग पहले बेच चुके हैं उसका सेट नहीं करना पड़ेगा ना, इसको बेचेंगे 598 में, थोड़ा सा सस्ता बेचेंगे मार्केट से। तो ये होता है ना यार कि लाइक लोग सोचेंगे कि ये दुकान में थोड़ा सस्ता मिलता है तो लोग खरीदने भी ज्यादा आएंगे ना, यही वाली बात है। बाकी यार दुकान ओपन करने का वक्त आ चुका है, एनी कस्टमर्स कोई अपने दुकान में आज आना चाहेगा। बाकी यार शहर वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके अपन यहाँ पे कपड़ा वपड़ा धुलवा सकते हैं क्या, लॉन्ड्री है भाई यहाँ पे, अपन कपड़ा धुलवा सकते हैं वगैरह वगैरह। बाकी खैर ये सब एक्सप्लोर करेंगे, पूरा शहर को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी आज तो दुकान खुला ही हुआ है, और आज क्या बात है दुकान में कोई आ नहीं रहा है यार। बट खैर बहुत बड़ा मैप है यार इसका, यार देख रहे हो लोग बढ़िया जॉब में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और इधर स्पा सेंटर भी है, आई मीन मसाज वगैरह कराना है तो यहाँ पे, कैंडी स्मोक शॉप भी है आई मीन आइसक्रीम वाली, और यहाँ पे फरारी भी घूम रही है भाई ये देखो यार ओह माय गॉड यार। बट खैर ओके कस्टमर आया मेरी दुकान में, शिट भाई मैं भूल कैसे गया था मेरा दुकान भी। अच्छा अपन ये भी खोल सकते हैं ना नीचे वाला। ओके सॉरी सर, सॉरी 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 मैं बाहर था। ओके आपको ये चाहिए, कैश लेके आया हो। ओके सर आपको चाहिए $4, 1, 2, 3, 4, $4 हो गया और 3 सेंट, 1, 2, 3 हो गया ना। चलो अंकल थैंक यू। आंटी जी ये देखो मैंने बोला था ना यार यहाँ पे आटा और तेल परफेक्ट भाई, खाना बनाने की रोज की चीज है ना, आंटी लोग आते हैं यार मैं समझता हूँ यार, मैं मम्मी के हेल्प करता हूँ भाई खाना वाना बनाने में, क्या आप लोग हेल्प करते हो गाइस कमेंट में बताओ। बाकी यार आंटी का कितना हुआ, लो आंटी जी ऐश करो। बाकी हेलो अंकल कैसे हो। ओके शक्कर और ब्रेड कितने, अच्छा कार्ड लेके आया हो ना, ठीक है अंकल 8.72 आपके हुए, ये लीजिए आगे बढ़िए। और आपको क्या चाहिए मैम, तेल और शक्कर, ठीक है मिल जाएगा। यार मैडम तो बड़ी मॉडर्न लग रही है भाई एकदम, क्या पहन के आई है यार मैडम बट ठीक है ये लीजिए मैडम, आपका भी पेमेंट हो चुका है, थैंक्स फॉर कमिंग, दोबारा फिर आना मेरे दुकान पे। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ दुकान को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। ओके क्योंकि देखो दुकान में हम लोग हर एक चीज रख सकते हैं पता है, लाइसेंस वगैरह क्या है यार, ये प्रोडक्ट का लाइसेंस ना पी, अच्छा पानी बॉटल बेचने के लिए मुझे लाइसेंस लगेगा जो कि होगा $200 का। ओके तो यार थोड़ा महंगा खर्चा होगा गेम में, कमाना भी वैसी है बट ठीक है। थैंक यू अंकल आप तो पूरा कैश लेके आए हो। अच्छा ब्रेड और आटा थैंक यू मैम, कितना हुआ आपके 40 सेंट्स, 40 हो गया ना 30, अच्छा 40 सेंट्स थैंक यू मैम, $61 का प्रॉफिट चल रहा है। और मेरे को एक अब लाइसेंस खरीदना है, फूड लाइसेंस, क्या बेचे मतलब नया सामान बेचने के लिए मुझे एक लाइसेंस खरीदना है। ये देखो वाटर बॉटल मतलब पानी बेचने का है, ठीक है पानी बेचने के लिए मुझे ये लाइसेंस खरीदना है। पीनट बटर बेचना है तो मुझे ये लाइसेंस खरीदना पड़ेगा आई मीन दुकान में, जैसे अभी मैं ब्रेड तेल वगैरह बेच रहा हूँ ना तो वैसे ये सबका। ऑरेंज जूस बेचना है तो $550, बाप रे कितना महंगा है यार ये सब। पैन केक बेचना है तो यार 550 भाई। पानी बॉटल से शुरुआत करेगा, पानी बॉटल से शुरुआत करते हैं, पानी पानी तो हर कोई पीता है राइट, तो पानी में तो प्रॉफिट हो गई। थैंक यू आंटी जी, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके तेल जी अंकल आपको शक्कर कैश हो गया है और 65 सेंट है ना आपको, 69 हो गया और 9, 5, 1, 2, 3, 4 थैंक यू अंकल जी। ओके आपका मैम कितना हुआ, अच्छा यार कैश लेके मत आया करो यार, सबसे बेस्ट ये है भाई स्वाइप करो सीधा पैसा हाथ में लो, ठीक है यार। मैं बाकी यार कोई और नया कस्टमर, ओके ये मैम आ रही है क्या दुकान में, नहीं अरे आ ही रही है यार। यार इस गेम का मेरे को और क्या अच्छा लगा पता है, जितने भी अभी तक कस्टमर्स है ना बहुत वैरायटी के हैं भाई, जैसे कार फॉर सेल में क्या होता था ना ज्यादातर कस्टमर सेम आते थे राइट, सबका शक्ल याद हो गया था मुझे कौन कैसे दिखता है, बट यार इसमें नए नए आ रहे हैं। ओके मैम, मैम का तो बहुत सारा सामान है, एक ये ले लो और एक तेल भाई पूरा एकदम बकायदा उसमें जा रहा है उनके बकेट पे, ये देखो ना यार। ओके मैम कैश लेके आई है आई मीन वो लेके आई है उनका स्वाइप कार्ड, $20 हुआ ना मैडम का, 20.92 थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग, अपने दोस्त अपने बॉयफ्रेंड को भी भेजना ठीक है। बाकी यार थैंक यू फॉर द कैश सर, ये लो आपके पैसे। हेलो जी शुगर मत खाया करो अंकल, शक्ल में तेल आ जाती है एंड आपके भी आ गए तो शक्कर खाना कम कर दो यार। बाकी ये लो अंकल आपके हो गए, यार लोग एकदम भर भर के सामान डाल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कुछ दिनों भाई मेरा दुकान सबसे बेस्ट दुकान बन जाएगा कसम से यार। थैंक यू फॉर द कैश अंकल, थैंक यू। 5 बज चुके हैं
और मैंने $100 का सामान खरीदा था, मेरे पास $170 है अभी भी, $130। थोड़े से पैसे और फिर मैं यार पानी का लाइसेंस खरीदूंगा। दो चार सामान मैम थोड़ा और खरीद लो यार, मेहरबानी हो जाएगी। बाकी यार इसका सबका कलर वलर भी चेंज करना है मुझे, बाकी लाइट चालू करो यार, अंधेरा हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग, आई मीन सॉरी आपका बिल नहीं किया हूं मैं। ओके कितना हुआ? थैंक यू फॉर द कैश। ओके कितना देना है आपको? 78 सेंट्स ना, 78 हो गया क्या? 78 हो गया हाँ। थैंक यू मैम, आपको क्या चाहिए सर? शक्कर और एक सहरले और एक शक्कर। कैश लेके आए हो सर आप? ओके ले जाओ परफेक्ट। ये बॉडीगार्ड यार कल भी आया था, बताया कल भी दुकान में आया था, एंड इसने खरीदा था पास्ता ब्रेड और आटा शायद, और आज शायद क्या खरीदा है? ओके आज तो भाई सहरले खरीद रहा है, चॉकलेट फ्लेवर भाई। ओके 94 यार, जिस हिसाब से दुकान चल रहा है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ दिन में बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे हमारे पास, है ना? ख्याल रखता है यार। बाकी मैम आपका शुगर हो गया, तेल हो गया, अपने दोस्त को भी लाया करो यार, अच्छे जमेंगे, है ना? 9.31 लो मैम, आपका ऑर्डर हो गया जी, दोबारा आइएगा। यार मैं तो पूरा दुकानदार बन गया भाई। लगता है खोलना पड़ेगा दुकान अपने घर में। बाकी यार बैक इन द शॉप, एक और सर है यार, रात होने वाली है ना, तो मैं कल सुबह पानी बॉटल का लाइसेंस खरीदूंगा। ये हो गया तेल, ओके मैंने पैसे भी ले लिए। कितना देना है सर आपको? $45 ना, 20 20 40 हो गए, और $5 और 18 सेंट, 10 + 5 + 3। यार मैथ्स अच्छा होना चाहिए भाई, और मैं तो मैथ्स में मास्टर हूँ यार, क्योंकि मेरी मम्मी मैथ्स टीचर है ना। बाकी ये लो तेल, और ये हो गया ब्रेड। कितने है मैम? ओके यार ये भी मैडम देख रहे हो, $100 लेके आइए, $8 का सामान है, ₹100 लेके आइए, ₹8 का सामान खरीदने, ये वाला सीन है। चिल्लर कराना क्या मेरे से आंटी को? अलग ही यार, 30 सेंट, 60 सेंट है भाई, 40 50 60 1 और $1। ओके थैंक यू मैम। बाकी सर ये लो आपका तेल, ये हो गया ब्रेड, सब सामान मैंने रख लिया। कैश लेके आए हो आप? ओके 37 रिटर्न करना है, 10 37 7.1 नहीं 7.1 के लिए 7 7.1। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके इनका यार बहुत देर बाद कोई बोलिया पास्ता, आज कोई ले नहीं रहता है। बाकी 45 सेंट्स ना, 10 20 30 40 46। थैंक यू सर, आई मीन थैंक यू मैम, सॉरी मैम मैं आपको सर बोल दिया था। बाकी आटा पास्ता, यार आटा पास्ता करते रह जाऊंगा भाई, मेरे को और भी सामान बेचना है। 1 2 3 25 सेंट, अरे यार 1 2 3 25 सेंट। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। 9 बज चुके हैं एंड अब दुकान बंद कर रहा हूँ भाई मैं, और मैं सोच रहा हूँ यार $200 हो गया तो पानी खरीद लूँ क्या? कल खरीदेंगे। बाकी आज देखते हैं कितना ज्यादा अपने कस्टमरों ने सामान वगैरह खरीदा एंड कितना प्रॉफिट हुआ। मैंने आज यार 22 लोगों को सामान बेचा है, कल 23 आए थे, उनमें से एक जन निराश होकर गया था, तो आज थोड़े ज्यादा बंदे आए थे अपनी दुकान में, और अपने का टोटल हुआ है प्रॉफिट $200 का। और अपना दूसरा दिन था आज, day 2, ठीक है, $100 का मैंने सामान खरीदा था, डैम ब्रो पैसा ही पैसा भाई। स्टार्ट अ न्यू डे, लेट्स गो। रॉन स्लाइसिंग ब्रेड और क्राफ्टर, अच्छा मार्केट प्राइस गिर गया क्या? क्या मेरे को कुछ दिखा क्या था यार, मार्केट का वैल्यू गिर गया ऐसा कुछ मैं पढ़ा, कुछ तो हुआ आज सस्ते में मिल रहा है कि कुछ कुछ तो बगल में लिखाया था भाई, आप लोग पॉज करके पढ़ना तो यार, क्या लिखा था यहाँ पे मैं पढ़ नहीं पाया भाई, बट खैर आज अपने को पानी का वो लेना है ना लाइसेंस, आ जाओ भाई मैनेजमेंट पे चलते हैं। लेट्स गो भाई, पानी, अब अपन पानी बॉटल भी खरीद सकते हैं, लेट्स गो। और बिल, ओके बिजली बिल आया है, $3 का बिजली बिल है, पटा दो भाई, बहुत ज्यादा है लेकिन $3 यार। ग्रोथ ओके इसको मैं बाद में लूंगा। अच्छा ये वो है, हम लोग नए नए दुकान आई मीन सेक्शन, अलग अलग सेक्शन भी खोल सकते हैं। माय गॉड भाई, पूरा एक मार्केट बना सकते हैं हम लोग, मां कसम भाई इतने सेक्शन, ये एक वो है भाई मॉल है, एक मॉल में 20-25 दुकान होते हैं, तो हम लोग अपने दुकान को पूरा मॉल बना सकते हैं, 23 सेक्शन भाई, डूड कितने ज्यादा पैसे होते हैं। अभी मैं आज के डेट पे $20-25 कमा रहा हूं ना, आने वाले एपिसोड में मैं $1,00,000, $2,00,000, $3,00,000 कमाऊंगा दिन का भाई। जैसे आज कल का प्रॉफिट 100 हुआ था ना, आने वाले दिन में 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 होगा, कितने ज्यादा होते हैं ब्रो। डैम यार सब्सक्राइब कर लो भाई, सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे पहले मिलने वाली है, ये सीरीज को तो सबसे पहले मैं खत्म करने वाला हूँ, अभी तो खैर शुरू भी नहीं हुआ है। बट खैर पानी बॉटल का हम लोगों ने लाइसेंस खरीदा, पानी बॉटल खरीदते हैं। अबे तेरी भाई मैं एक लाइसेंस, अच्छा वो एक लाइसेंस खरीदने से बहुत सारी चीजें खुलती है। ओके मैं सोचा था एक ही चीज का लाइसेंस है वो, लेकिन बहुत चीज का लाइसेंस था $200 में, लेकिन मेरे पास अभी थोड़े पैसों की कमी है, पानी बॉटल का ही मैं खरीद पाऊंगा खाली, और तो नहीं हो पाएगा मेरे पास। आ जाओ भाई पानी बॉटल मंगा लेते हैं, दुकान भी खोलने का वक्त हो गया, दुकान खोलो। बाकी अपन पानी बॉटल लेते हैं, अरेंज करते हैं, आ जाओ यार किधर लगाऊं, पानी बॉटल ऊपर रखते हैं। अच्छा अरे पानी बॉटल के लिए फ्रिज चाहिए, क्या बात कर रहे हो भाई, पानी बॉटल के लिए फ्रिज चाहिए भाई, इसको बंद करके साइड में रखना पड़ेगा यार, ये फ्रिज में रखाएगा, इसको यहाँ पे रख देते हैं भाई, मेरे पास फ्रिज नहीं है, रुको कहाँ पे रखूं यार, कंप्यूटर के पास भी सही नहीं है, यहाँ पे रख देता हूँ। वैसे भी यार पानी बॉटल के फ्रिज कितने का आता है ब्रो? भाई पहले बताना था ना फ्रिज, अच्छा सस्ता है यार, $200 का ही है फ्रिज हाँ $200 का है, आज कमा लेंगे $200 आई थिंक सो। नुकसान हो गया यार, पहले बताना था फ्रिज उसमें आता है, बट खैर $3 का हो गया मैम, ले जाओ यार $3 का आपका सामान। यार ये तो मुसीबत हो गई भाई, पानी
बॉटल का डब्बा मैं पूरा पैसा खर्च करके पानी बॉटल मंगा दिया। डैम, और लाइसेंस आज तो मतलब कह लो पूरा जेबी खाली हो गया यार। बट कोई ना, ओके थैंक्स फॉर कमिंग सर, आटा आपका हो गया, पास्ता भी हो गया, कैश लेके आयो, चिल्लर लेके आयो करे सर, हमें भी पैसे की दिक्कत होती है समझ लो। ये हो गए आपके $9.55 55 ले जाओ सर, थैंक्स फॉर कमिंग। भाई कैसा है, तुझे पास्ता लेना है, ये हो गया सैर ले, और ये थैंक यू सर, कार्ड लेके आए हो आप, $18 ले जाओ। कोई ना, अपने ही घर समझो, कोई बात नहीं आपके शक्कर। कार्ड कितने का बिल बना है, $4.82 लेस के। ब्रेड फ्लोर, भाई ये मैडम कल भी आई थी यार, लगता है ये मैडम भाई अब अपने हर दिन दुकान आने वाली है, क्योंकि अपन सस्ते में भी दे रहे ना। कुडंट फाइंड क्राफ्टंग फ्लोर, अच्छा क्राफ्टंग फ्लोर उनको नहीं मिला मैडम को, क्राफ्टंग फ्लोर का डिमांड है, वही मैडम बोल रही थी, आई मीन मेरे बगल में लिखा है था ना क्राफ्टंग फ्लोर का डिमांड है, तो क्राफ्टंग फ्लोर खरीदना पड़ेगा मुझे। और क्राफ्टंग फ्लोर है कितने का, रुको मैं देखता हूँ, रुक जाओ, क्राफ्टंग फ्लोर, क्राफ्टंग फ्लोर, क्राफ्टंग फ्लोर, वो कुछ सामान वामान है क्या है वो क्राफ्टन फ्लोर, अच्छा अच्छा यूनिट प्राइस, अच्छा ये सबका, अरे ये सबका रेट बढ़ गया है ऐसा कुछ है। अच्छा मेरा दुकान पूरा खाली हो गया भाई, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, क्या चाहिए सर आपको, तेल ये सब चीज कर दो, कितना हुआ यार सामान पूरा खत्म हो गया, मजाक से हटके मेरे दुकान में, अरे तेरी भाई ज्यादा हो गया, पैसा कैसे वापस लेना, अच्छा रिटर्न 50 वापस लो, 40 में से अरे 20 निकालो, अरे यार एक कम करो $5.25 ना, थैंक यू सर, यार उनको कुछ नहीं मिला भाई, सामान खत्म हो गया, मेरे को दुकान बंद करना पड़ेगा पता है भाई, ये तो थोड़ा दिक्कत हो गया यार, कस्टमर भी इतने ज्यादा आ रहे हैं भाई, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, मजाक सेट के 20 सेंट ना, थैंक यू मैम ले जाओ, अरे मैम यार दुकान में कोई नहीं है यार, मैम प्लीज मत आओ यार, अरे यार मैडम देख रही है भाई ऐसे ऐसे करके यार सॉरी मैम सॉरी, दुकान बंद करो यार, दुकान थोड़ी देर के लिए बंद करो भाई, सॉरी मैम सॉरी सॉरी यार, ये दुकान बंद है मैम, कुछ नहीं है दुकान में यार, यार शिट भाई बेइज्जती लग रहा है मुझे। तेल खरीदते हैं, आई मीन पहले यार आटा का एक पैकेट खरीदते हैं, और ब्रेड जो डेली नीड्स है उन लोगों को ज्यादा खरीद लेते हैं। ओके ये हो गया शुगर पाउडर $69, पास्ता भी लोग खरीदते हैं। ओके यार ये तो बजट पार हो गया, क्या कम करूं मैं, क्या कम करूं, ये सैरेले हटाओ भाई, सैरेले का उतना ज्यादा डिमांड नहीं है, और महंगा आइटम है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, बट जितने जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है सैरेले में ज्यादा प्रॉफिट है यार, सैर ले लेते हैं कोई चीज को और कम करते हैं, फ्लोर का भी डिमांड ज्यादा रहता है, शक्कर नहीं बेचेंगे भाई शक्कर बेचना बंद अब हमारे दुकान में शक्कर नहीं मिलेगा। चलो खैर बाकी मेरे डब्बे आ गए हैं, पहले लगाओ यार सैरले, आई मीन अपना ये जो चॉको चिप्स, भाई पानी बॉटल, मेरे पानी बॉटल का डब्बा पड़ा हुआ है भाई, पानी बॉटल कितने का था, फालतू में पैसा वेस्ट हो गया मेरा, पानी बॉटल को पहले बताना चाहिए ना यार, फ्रिज लगता है यार, मेरे को भी सोचना चाहिए यार, पानी बॉटल के लिए फ्रिज तो लगता है यार, दुकानों में भी तो गई यार फ्रिज के अंदर रखे रहते हैं पानी को ठंडा रखने के लिए, है ना, भूल गया था यार मैं, ये गेम भी तो थोड़ा रियल जैसा है। बाकी आटे को इधर रख देते हैं, आ जाओ भाई ले भाई, लेकिन यार कोई कोई लोग तो आते तो है गर्म पानी मांगने यार, आई मीन नॉर्मल पानी भी तो मांगते ना, मैं कभी कभी जाता हूँ तो मुझे नॉर्मल पानी की जरूरत रहती है, बट खैर आज मैं बहुत तगड़े से नुकसान में हूँ भाई। ओके मैडम आई है, आज मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा मेरे को लॉस होने वाला है, क्राफ्टन फ्लोर नहीं मिला, अच्छा है ना क्राफ्टन फ्लोर तो मैम, अच्छा वो तो है, तो आटा तो उधर मैंने रखा हुआ है यार, क्या बात कर रहे हो मैम, 30 सेंट ना, 3 सेंट, ओके थैंक यू मैम, आपको ये चाहिए सर, कितना हुआ, अच्छा कार्ड ना, ठीक है सर, 5.97 हो गया, थैंक्स फॉर कमिंग सर। यार अपना दुकान बहुत सही चल रहा है यार, मजाक से हट के, बस आज थोड़ा नुकसान हो गया, बाकी और कोई नहीं आया क्या, ओके एक और सर आए हैं, भाई ये तो रोनाल्डो लग रहा है भाई, यार देख रहे इसको, इसका हेयर कट ना रोनाल्डो जैसा है। ओके आटा और पास्ता खरीदा है बंदा, यार देखो ना देखो ना उधर का लाइन देखो थोड़ा रोनाल्डो जैसा नहीं है। खैर कार्ड लेके आया, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग, $02, ओके लेट्स गो, कुडंट फाइंड, अच्छा उसको तेल नहीं मिला ना, तेल चाहिए बंदे को यार, तेल मैंने रखा नहीं है भाई, आज थोड़ा नुकसान सा हो गया, क्या ही बताऊं, लाइट चालू करो यार, सॉरी सर कुछ सामान नहीं है, माफ कर दो, तेल वगैरह मैं नहीं रखा हूं दुकान पे, 46 हो गया सर, एंड 10 सेंट, ये लो आपके पैसे, इसको भी कॉफी पाउडर नहीं मिला, कॉफी पाउडर भाई मैं कस्टमर लूज कर रहा हूं भाई, मेरे को कस्टमर से एकदम अच्छे से वो करना है कि लाइक वो जो खरीदना है सब आए, तब मैं एक व्यवहार बना सकूं यार, कि लाइक उनको लगे आने से पहले कि भाई इसके यहां तो सारे सामान मिल जाते हैं, तो इसी के यहां आके ही हम लोग हर सामान ले, ये एक ट्रस्ट बिल्ड होता है यार कस्टमर के साथ, हालांकि मैंने दुकान कभी खोला नहीं है जिंदगी में, बट ये सब पता होना चाहिए राइट। बाकी यार हाउ कैन आई हेल्प यू सर, ले जाओ अपने सामान, कार्ड, ओके $19, यार ज्यादा पैसा काट दूंगा तो क्या होगा भाई, अगर $19 की जगह $100 काट दूंगा तो पैसे तो मिल जाएंगे, क्योंकि ATM वाला ये सीन रहता ना, पैसे तो कटेंगे भाई उसके, लेकिन वो फिर दुकान नहीं आने वाला मेरे, ऐसा वाला सीन हो जाएगा उसका। यार ये बंदा कितना काला है और कितना सफेद वो सूट पहन के आया भाई, 98 सेंट ना, 50 98 कैसे होगा, 5 और 4, हां
98 सेंट परफेक्ट। इसको भी शुगर पाउडर नहीं मिला। ओके यार अपने दुकान में ना बहुत दिक्कतें हो रही है, मेरे को दुकान को बढ़ाना पड़ेगा कसम से भाई। पानी का डब्बा की वजह से पूरा बजट हिल गया मजाक से हटके। एक और आ रही है क्या कोई? हाँ एक और मैडम आई, आज दुकान थोड़ा लेट तक चलाएंगे, आज हमारे कोई दिक्कत नहीं है, आज की आखिरी कस्टमर लग रहा है। ओ भाई दो तीन ब्रेड लिए मैम। ओके थैंक यू मैम। कैश लेके आइए मैम, $9 हुआ ना आपके, ये लो 1 2 3 4 5 $9.15 लो भैया आपके पैसे। इनको भी यार टी पाउडर नहीं मिला यार, ब्लैक टी खरीदने को था इनको, बट खैर ठीक है गाइस। यार आज था तीसरा दिन और आज खाली 9 कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए और 12 कस्टमर को सामान नहीं मिला। 2 कस्टमर ऐसे आए थे जिनको एक्सपेंसिव सामान नहीं मिला और टोटल आ जाए थे 22 कस्टमर। मतलब खाली मैं खाली 9 ही कस्टमर को अच्छे से सामान बेच पाया हूं और आज का प्रॉफिट 0 था, कंप्लीट में लॉस में था यार। और आज का लॉस हुआ है भाई $128, मतलब ₹10,000 मुझे लॉस हुआ, जो कि भाई पानी की वजह से हुआ है। पानी नहीं आया, बताना चाहिए ना यार पानी के लिए फ्रिज लगता है भाई, बट खैर अगले एपिसोड में फ्रिज खरीदेंगे यार। वेल यार आज के एपिसोड में इतना ही। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी यार ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड अगले एपिसोड में हम लोग फ्रिज लगाने वाले हैं अपने दुकान में, साथ ही साथ अपने दुकान को और ज्यादा बड़ा करने वाले हैं और बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे और मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। सो यार ये वीडियो पे 5,000 लाइक्स कर दो, अगले वीडियो में ही मैं इस गेम को खेलूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक 2-3 और वीडियोस आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे, जो चाहे वो देखो। बाकी बाय बाय, चाचा सायोनारा, लव यू ऑल गाइस, पीस।